तो इस क्वेश्चन में अपन को यूनिवर्सल सेट दिया है, यहाँ पे लेट होगा एक्चुअल में लेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट दिया है और अपन ए सेट दिया और बी सेट दिया। सबसे पहले अपन को फाइंड आउट क्या करना है, अपन को फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बी डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। बी डैश क्या होगा, बी डैश होगा ए और बी को, सॉरी 6 7 को छोड़ के बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में लिखा हुआ है वो सब। बी डैश सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5, 6 7 को छोड़ देंगे, 8 9 और 10, ठीक है। और सॉरी 9 2 बार लिख दिया। सेट के अंदर कभी भी एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। अब ए सेट क्या है अपना, ए सेट है अपना 1 2 और 5। अब अपन को इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर अपन करें तो ए इंटरसेक्शन बी डैश जो है ना वो 1 2 और 5 ही आएगा, ठीक है। 1 2 5 ये तो ए के ही बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश ए के बराबर है, आंसर बी है।